टुडे न्यूज के साथ में मैजिक फुटवेयर हीरो सफलता को बांटो। अपने देख रहा हूँ टीवी टुडे। टुडे समाचार में अपने के स्वागत आयश प्रणाम हम ज्योति शुरू करी। थॉप 1016 गोटे में कोरोना संक्रमण, हाल धर मृत्यु भेलक सभक संख्या 114 पहुंचल संबंधी समाचार सब। नेपाल में थॉप 1016 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। देश के विभिन्न स्थान में कैल गेल परीक्षण के क्रम में पैघ संख्या में कोरोना संक्रमित भेटल, स्वास्थ्य मंत्रालय जनौलक। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय प्रवक्ता डॉक्टर जागेश्वर गौतम झापा के 21 गोटे, खोटांग के 1 गोटे, मोरंग में 108, ओखलडुंगा के 1, पासफर के 1, सुनसरी के 8, उदयपुर के 2 गोटे, सखुआ सभा के 3 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल जानकारी देने छन। तहिना प्रदेश 2 में 12 के 42 गोटे, धनुषा के 64, महोत्तरी के 24, परसा में 128, रोहतक के 37, सप्तरी के 3 गोटे, सरलाही के 107 गोटे, सिरहा के 16 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। तहिना बागमती प्रदेश में भक्तपुर के 17, चितवन के 49, दादिंग के 2, दोलखा के 2, काठमांडू के 138, काबरे के 21, ललितपुर के 50 गोटे, मकवानपुर के 30 गोटे, सिंधुली के 1 गोटे, सिंधुपाल चौक के 3 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। गंडकी प्रदेशक जिला सब में बागलुंग 3 गोटे, गोरखाक 2 गोटे, कास्की 16 गोटे, लमजुंग के 1 गोटे, नवलपरासी पूर्व के 4 गोटे, सैंजा के 1 गोटे, अतनहू के 2 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। प्रदेश 5 के जिला सब बाके के 6 गोटे, बर्दियाक 9 गोटे, दांग के 1 गोटे, कपिल वस्तु के 19 गोटे, नवलपरासी पश्चिम के 1 गोटे, रोलपा के 1 गोटे, आरूपंदेही के 14 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। तहिना कर्णाली प्रदेश के जिला सब में दैलेख के 5 गोटे, रुकुम पश्चिम के 1 गोटे, सुरखेत के 1 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। सुदूर पश्चिम के जिला सब में दारजुलाक 2 गोटे, डोटी के 46 गोटे, कैलाली के 1 गोटे, अकंचनपुर के 1 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। प्रवक्ता गौतम जानकारी देने छन। रतनहु 2 र प्रदेश 5 में बाके 6, बर्दिया 9, दांग 1, कपिल वस्तु 19, नवलपरासी पश्चिम 1, रोल्पा 1 र रूपन्देही 14 र कर्णाली प्रदेश में दैलेख में 5, रुकुम पश्चिम में 1, सुर्खेत में 1, सुदूर पश्चिम प्रदेश में दारचुला 2, डोटी 46, कैलाली 1 र कंचनपुर 1 गरी आज मंगल दिन कोरोना के कारण थॉप 7 गोटे के मृत्यु भेल। हाल धर मृत्यु भेल सभक संख्या 114 पहुंचल, मंत्रालय जनौलक। हाल सक्रिय संक्रमित के संख्या 10,563 गोटे रहल। मंगल दिन थॉप 85 गोटे कोरोना मुक्त भकर डिस्चार्ज भेल। हाल धर 17,580 गोटे डिस्चार्ज भेल, मंत्रालय जानकारी देने आज। प्रदेश 2 सरकार कोरोना महामारी नियंत्रण में असहयोग के निजी स्वास्थ्य संस्था एवं मेडिकल कॉलेज विरुद्ध अदालत जेबाक तैयारी कर रहा है। मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय में मंगल दिन संपन्न प्रदेश संकट व्यवस्थापन केंद्र PCMC के बैसार से कोरोना महामारी नियंत्रण में असहयोग के ने प्रदेश स्थित मेडिकल कॉलेज सहित निजी स्वास्थ्य संस्था विरुद्ध अदालत जेबाक तैयारी कर रहा है। बैसार से सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह के संयोजकत्व में सुरक्षा निकाय के प्रमुख सब समेत रह जिका समन्वय समिति गठन कैल गेल। ओ समिति मेडिकल कॉलेज सहित निजी स्वास्थ्य संस्था सब संग कोरोना व्यवस्थापन के विषय में पहल चरण में विमर्श करबाक, मेडिकल कॉलेज तथा निजी अस्पताल सब के संघीय सरकार तोकने दर रेट उपलब्ध करा कर कोविड इलाजक लेल प्रयोग कैल जेबाक निर्णय समिति केने अछि। ओय के बाद मेडिकल कॉलेज तथा निजी अस्पताल सब कोरोना के इलाज में सहयोग नहीं केलक त कार्यवाही तथा दर्ता खारिज के लेल संघीय सरकार में लिख क पठेबाक तथा कानून बमोजिम कार्यवाही के लेल मुद्दा प्रक्रिया आगू बढ़ेबाक निर्णय कैल गेल। बैसार सब प्रदेश में समुदाय स्तर में फैलत गेल कोरोना महामारी नियंत्रण में रहल मुश्किल एवं सरकारक कर प्रभाव कार्य सब बारे जिला स्तरीय से जानकारी लेब। प्रदेश के 4 स्थान में 2-2 जिला समेत जेका बैसार करबाक निर्णय समिति के आज संगे प्रदेश सरकार आ PCMC विगत में के निर्णय सब अविलंब कार्यान्वयन कर सरकार वाला सबके निर्देशन समेत देने आज। बैसार में बाजैत मुख्यमंत्री लाल बाबू राव कोरोना के अति दुखदायी तथा असहज परिस्थिति में
सब नागरिक के बचाव के पहल जिम्मेवारी भेला से प्रदेश सरकार कठोर कदम चाल लेल बाध्य रहल बतौलन। संगे आई विषम परिस्थिति में सब पक्ष के अपन स्तर से सहयोग कर ओ अपील समेत के निशायत ऐसे पहले निर्णय भेल बीरगंज जनकपुर राजविराज में थौ पीसीआर मशीन जड़ान एवं गौड़ में नया लैब संचालन कार्य अविलंब पूरा कर के संगे महोत्तरी के जलेश्वर में समेत नया पीसीआर लैब संचालन करबाक निर्णय आजुक बैसार से कैल गया। कोविड 19 संक्रमण अचानक बढ़लाक बाद महोत्तरी में 10 दिन धरि के लिए कर्फ्यू निषेधाज्ञा आदेश जारी भेल। सोमदिन भादो एक मध्य राति से लागू बजे का जिला प्रशासन कार्यालय महोत्तरी एहन आदेश जारी कलक। ऐसे पहिने जिला प्रशासन कार्यालय जिला सदर मुकाम जलेश्वर नगर पालिका के मुख्य बाजार क्षेत्र आ पड़ोसी के महोत्तरी गांव पालिका वार्ड नंबर 3 आ 5 में मात्रे बीतल सौने 21 गते से बेर बेर निषेधाज्ञा जारी कर दिया छल। पिछला किछ दिन एम्हर जिला के सब जेहन भेग में संक्रमण नीके बढ़ल भेला से अई के रोकथाम के लेल आवागमन रोक जिला भरि निषेधाज्ञा जारी कयल गेल। प्रमुख जिला अधिकारी कृष्ण बहादुर कटवाल सोमदिन 7 जारी केने आदेश में उल्लेख रहल अछि। जिला स्थित कोविड 19 संक्रमण व्यवस्थापन समिति के बैसार के निर्णय अनुसार जिला भरि निषेधाज्ञा जारी कयल गेल अछि। अत्यावश्यक काज आ निर्माण कार्य के अवरोध नहीं पहुंचे जका भादो 10 मध्य राति धरि के निषेधाज्ञा जारी कयल गेल। प्रमुख जिलाधिकारी कटवाल जानकारी देने छन। एहि क्रम में चल फिर सवारी साधन हाट बाजार आ मेला यात्रा सब बंद कयल गेल आदेश में उल्लेख अछि। दवाई दुकान अस्पताल बाहेक अन्य सब दुकान सब बंद रहत। निषेधाज्ञा के उल्लंघन के निहार के तत्काल कार्यवाही कयल जेबाक प्रजिया कटवाल के कहब छन। ऐसे पहिने स्थानीय प्रशासन जिला प्रशासन सीमित क्षेत्र में निषेधाज्ञा जारी कलाक बादो जिला के स्थानीय तौ आ उद्योग वाणिज्य संघ के समन्वय में बर्दीवास गौशाला ओढ़ी लोहारपट्टी आ बलवा सहितक नगर पालिका क्षेत्र में साप्ताहिक हाट बाजार सौन 21 एम्हर बंद करब इतल छल। ओ प्रयत्न प्रभावकारी नहीं भेलाक बाद जिला भरि निषेधाज्ञा लागू कर स्थानीय प्रशासन के दबाव पड़ल छल। महोत्तरी में कोविड 19 संक्रमण से हाल धरि 2 गोटे के मृत्यु भ चुकल अछि। जिला में सोमदिन सांझ धरि 1088 में संक्रमण पुष्टि भेल स्वास्थ्य कार्यालय महोत्तरी जनौलक अछि। एहि मध्य 12 गोटे में सोमदिन संक्रमण पुष्टि भेल कार्यालय कोविड 19 रोकथाम अभियानक स्रोत व्यक्ति समेत रहल जनस्वास्थ्य निरीक्षक गिरेन्द्र कुमार झा जानकारी देने छन्। जिला संक्रमित मध्य 370 गोटे इलाज के बाद नीक भ कऽ घर घुरल कार्यालय जनौलक अछि। राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरे के निधन भेल छन्। घिमिरे के मंगल दिन 7 घरे में निधन भेल। पुतौह विजेता घिमिरे जानकारी देली। घिमिरे 1976 साल आसीन 7 गते लमजुंग पहले के बाहुंडाड़ा गावी सके वीर पुस्तून कई ठाम में जन्मल छलन। ओ कविता संगे साहित्य के अन्य विधा में सेहो कलम चलौने छथि। घिमिरे कविता खंडकाव्य गीति नाटक कथा अनुवाद लेख प्रबंध लगायतक क्षेत्र में कलम चलौने छथि। ओहि मध्य राष्ट्रकवि घिमिरे के गौरी शोक काव्य सबसे बेसी चर्चित रहलन। हुनक नवमजरी घाम पानी नया नेपाल आ किन्नर किन्नरी आदि कविता संग्रह प्रकाशित अछि। स्वच्छ दंतावादी भावधारा के कवि घिमिरे के गौसगीत नेपाली जेहन कईयो राष्ट्रीय भावक गीत तथा कविता सब लोकप्रिय अछि। टुडे समाचार में बेर भ चुकल अछि छोट छिन व्यापारिक विश्राम के। यस डायरी में मेरा सभी मीठा यादहरु छन्। मेरो हाथ में यही फेवरेट बैट थियो जब मैले पहिलो पटक इंटरनेशनल सेंचुरी बनाए। यही बॉल ले मैले फर्स्ट टाइम 5 विकेट्स लिएको थिए। ओडीआई स्टेटस पाउदाको त्यो क्षण अनि मेरो पहिलो मैन अफ द मैच अवार्ड पनि। मैले हासिल गरेको अचीवमेंट्स मा मेरो मेहनत संघर्ष अनि मलाई साथ दिने मेरा फेवरेट चीजहरु छन्। सफलताको बाटो हिड्ने ती सबैलाई म्याजिकको सल्युट। म्याजिक फुटवेयर, हिडो सफलताको बाटो। ए त्यो रातो वाला हैन, हरियो वाला, हरियो वाला। सानु वाला हैन के, ठुलो वाला गाडीमा, ठुलो वाला। नमस्कार साउजी। नमस्कार, बसौ न बसौ। अनि वहा चाहिँ मास्टर वाला कि इन्जिनियर वाला? यो कान्छो इन्जिनियर। ए कान्छो इन्जिनियर वाला। अनि किन आउनु भयो होला? सिमेन्ट चाहियो, त्यही भएर आइयो। ए ए ए, कुन सिमेन्ट, राष्ट्रिय वाला कि अन्तर्राष्ट्रिय वाला?
अखंड वाला कि मेरुदंड वाला, शक्ति वाला कि भक्ति वाला, चुनी वाला कि मनी वाला। ए साउजी, नेपाल गुणस्तर प्रथम अवार्डबाट पुरस्कृत असली ओपीसी सिमेन्ट। ए ए नो कम्प्रोमाइज वाला शिवम सिमेन्ट ठीक रन्नु भयो। नेपाल गुणस्तर प्रथम अवार्डबाट पुरस्कृत असली ओपीसी सिमेन्ट शिवम सिमेन्ट, क्वालिटीको मामलामा नो कम्प्रोमाइज। के पिउ कि कुन चाहिँ वाला? जीवन को हरेक मोडमा छ सीरियस स्ट्राइकर ले दिन्छ सुपर कम्फर्ट को आवाज। टीवीएस स्ट्राइकर ले दिन्छ 65 किलोमीटर भन्दा बढी सुपर माइलेज। हरेक दिन यात्रा गर्छु म भरोसा लिएर। टीवीएस स्ट्राइकर को सुपर स्टाइल ले सारा संसार को आँखा हुन्छ म माथि नै। टीवीएस स्ट्राइकर 125cc सुपर भन्दा एक्स्ट्रा सुपर। अपन जनकपुर कैशलेस जनकपुर, आइए नजीक के आईएमई काउंटर से पैसा काट लिया आ कोनो दुकान में कार्ड लगा पैसा तिरू आ ब्याज से हो कमाओ छुली तिरली चलल। कोका कोला आज दिउँसो झप झप हुँदा केटीहरूले दामी सेल्फी खिचेछन्, त्यो मिस भयो। मन पर्ने सिनियर बोल्न आएको थियो, त्यो पनि मिस भयो। नाममै संगीत छ, नाममै पहिचान छ, नाममै यसको जीवन। तान्से ओपीसी सिमेन्ट। हाय हाय, सुन न म तिम्रोलाई जहाँ पनि जान सक्छु नि। साच्ची कहाँ सम्म जान सक्छौ? वेट, ल हेर, यहाँ सम्म जान सक्छु। त्यहाँ सम्म मात्रै? खै त कहाँसम्म जान सक्छौ? के भयो बाबा, तिम्रो लिमिटलेस माया वाइफाईले लिमिट गरिदियो? एनसेलको वायर फ्री प्लस, वार्षिक भुक्तानी गरेमा कर बाहेक मात्र रु 690 मा 60 GB वायर फ्री डेटा प्लस 10 GB सिम डेटा प्लस 200 मिनट भोइस प्याक र अन्य डिजिटल सेवाहरूको गजबको कम्बो। थप जानकारीको लागि 9008 डायल गर्नुहोस्। एनसेल, आज भोलि सधैँ सँगै। विश्रामक बाद पुनः स्वागत आइश आप बाकी के प्रसंग। प्रदेश दू में कोरोना संक्रमित के संख्या निरंतर बढ़ रहा है। सप्तरी जिला में लगाओल गेल निषेधाज्ञा के समय अवधि पुनः थपायल आइश। निषेधाज्ञा मंगल दिन रात 11 बजे से लागू है। प्रमुख जिला अधिकारी शंकर हरि आचार्य सप्तरी जिला में कोरोना के जोखिम बढ़त गया से थप कड़ाई ख्याल से बात बतौलन। प्रजी आचार्य कोरोना संक्रमण के प्रभावकारी रोकथाम तथा नियंत्रण आ आई के संक्रमण फैल नहीं देवक लेल जिला भर प्रतिकूल प्रभाव पर सकबाक कोनो किसिम के गतिविधि होब आ कर नहीं देव। नेपाल राजपत्र में तोकल गेल अत्यावश्यक सेवा सब बाहे के अन्य सब सेवा स्थल सब आई रात 11 बजे से भादो 15 गते रात 11 बजे धर के लेल स्थानीय प्रशासन एन 2028 के दफा 6-3 आ संक्रमक रोग एन 2020 के दफा 2 बमोजिम जिला सुरक्षा समिति के निर्णय अनुसार जिला भर नहीं कर नहीं कराब निषेधाज्ञा जारी कैल गेल जानकारी देने। ऐसे पहिने साल 19 गते के जिला सुरक्षा समिति के निर्णय अनुसार राजविराज नगर पालिका लगायत सप्तरी जिला क्षेत्र में सन 20 गते भिनसर 5 बजे से सन 26 गते साँझ 5 बजे धर के लेल निषेधाज्ञा लगाओल गेल छल। ओके बाद सन 25 गते के जिला सुरक्षा समिति के निर्णय से थप हाल भादो 2 गते रात 11 बजे धर के लेल निषेधाज्ञा समय अवधि बढ़ाओल गेल छल। सिरहा में गर्भवती महिला के हत्या के आरोप में प्रहरी हुनक पति आ सौस के पकड़ लगाए। सिरहा के
सिराहा नगरपालिका वार्ड नंबर 16 रहनिहार उन्नीस बर्खा को कुलती देवी दास के सन 27 गते हुनक पति असौस मिलकर पीटपाट क हत्या के छल। तीन महीना के गर्भवती पुत्री के पीटपाट क हत्या के मृतक के पिता चंद्र दास जिला प्राधिकरण में जाहिरी दर्ता करौलाक बाद हुनक 20 वर्षक पति धीरज दास आ 35 वर्षक सौस राजकुमारी दास के पकड़ने जिला प्राधिकरण सिराहाक प्रवक्ता प्रहरी नाब प्रेक्षक विनोद घिमिरे जानकारी दिलान। पकड़ायल माय बेटा पर कर्तव्य जान संबंधी मुद्दा में अनुसंधान भ रहा प्रहरी नाब प्रेक्षक घिमिरे बतौलाए। महतरी के जलेश्वर रोजा सड़क खंड में मोटरसाइकिल दुर्घटना भेला से एक गोटे के मृत्यु भेल। मृत्यु भेल में एक डारा गांव पालिका तीन बटौलिया के 30 वर्षक ललित ठाकुर रहल जिला प्रहरी कार्यालय महतरी प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रकाश पृष्ट बतौलन। बीतल रात ज 11 P 1386 नंबर के मोटरसाइकिल में चढ़ धमोरा से बनोटा दिस जा रहा ठाकुर के मोटरसाइकिल बलवा नगर पालिका 8 स्थित सड़क में अपने अनियंत्रित भाकर दुर्घटना भेल। ठाकुर के लाश के परीक्षण के लिए जिला अस्पताल जलेश्वर पठाओल गेल। सामाजिक संजाल यूट्यूब में नेपाल के राष्ट्रीय झंडा जड़ौबैत जातीय द्वंद भड़काव वाला गीत सार्वजनिक भेल कहत समाजवादी पार्टी के भातृ संगठन समाजवादी युवा संघ झंडा जड़ाव वाला के कानूनी कार्यवाही के मांग के लिए। समाजवादी युवा संघक अध्यक्ष समेत रहल प्रदेश दू के भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी राज्य मंत्री योगेंद्र राय यादव एक विज्ञप्ति जारी करैत राष्ट्रीय झंडा जराने ऊपर कार्यवाही के मांग के छथि। भादो एक गते सोम दिन मंगोल अफियल नामक यूट्यूब चैनल से प्रसारित रैप गीत में प्रयोग भेल शब्द अदृश्य प्रति समेत आपत्ति जनाओल गेल। अध्यक्ष यादव अई गीत से नेपाल के पहचान राष्ट्रीय एकता संवेदनशीलता पर प्रहार क जातीय सद्भाव में खलल पहुंचाने प्रति गीत प्रसारण संग संबंधित सब व्यक्ति सदा के भागीदार रहल बतौने छथि। आपत्तिजनक शब्द सब भरल उक्त गीत में नेपाल के राष्ट्रीय झंडा के अपमान करब अक्षमय रहल विज्ञप्ति में जनाओल गेल। अध्यक्ष यादव देश के अपराध संहिता अनुसार राष्ट्रीय झंडा के अपमान के निहार के 3 वर्ष कैद आ जरिवाना समेत लेबाक व्यवस्था रहला से तत्काल ओ अनुसार कार्रवाई करब मांग केने छनि। बेस्ट टुडे समाचार अखन के लेते हुए हम ज्योति के दिए सेवा का आज्ञा देखते रही टीवी टुडे। नमस्कार।